और इस के क्या हमारी जिंदगी का ताहन किया जाए नहीं तो हमारा बचना जो है हमारे बच्चे का कवर है ये जान पूछे माय है अदाई कवर पड़ी है तो ये फायरिंग हो रही है आए रोज हर रोज तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन इतनी गोलाबारी हो रही है ना ही किसी को छपने के लिए बैंकर है अगर जिनके पास बैंकर है तो वो भी इनकम्प्लीट है किसी लायक नहीं है वो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी हेल्प करे और गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े ऐलान कर रही है हम लोगों के लिए ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ ये ग्राउंड में कुछ भी नहीं है बिल्कुल एकदम ज़ीरो के बराबर है रात को तकरीबन ये कोई पौने सात बजे शुरू हुई है पौने सात बजे शाम की नमाज़ का टाइम था उस टाइम शुरू हुई तो कोई जो है ना बिल्कुल लोग एकदम सेम कर रहे कि अंदर के अंदर कहीं जो है ना भाग नहीं सके बच्चे कहीं दिन शीलिंग में यहाँ पर कब्रस्तान भी ज़द में आ गया बच्ची की कब्र की हड्डियाँ बाहर आ गई और मस्जिद में गोले लगे वहाँ पर वो दीवार को छेद पड़ी हुई नज़र आ रही है मकानों को छेद आ गई है पब्लिक पूरी डर से खौफनाक हो चुकी है क्या करें अब क्या ना करें अब दोनों ममालिक को हम यही कहना चाहते हैं आप दोनों तरफ से शीश फेर करके पब्लिक को आराम की नींद सोने दो रहने दो यहाँ पर जी जान ये उठ गए लगी बच्ची की कबर फिर उठ गई तो बाप की कबर अड्डी बार उठ गा आ गई भाई अड्डी चुन गए बड्डी कर गए फिर भी चार गए तो नवी कबर बना मांगांगा और क्या कर रहे जी बुल्क जुर्म कर के का, नुकसान दिखा रहे हो मकान के पास ही घोड़ा बिल्स जुल्मेस जुल्म कर रहे है उन्हें शेलिंग की बात किया तो तकरीबन तकरीबन आजकल बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही है एक दो दिन छोड़कर फिर शेलिंग होती है आज रात को तकरीबन साढ़े सात बजे शेलिंग शुरू हुई है पहले उन्होंने पाकिस्तानी ने फायरिंग शुरू की है तो बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुई उसके बाद हमारी फ़ौज ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है तो इसलिए हम अपनी हुकूमत से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इस चीज़ का हल किया जाए लोग बहुत परेशान हैं लोग खेत में काम करते हैं कोई भैंस के घास काटने के लिए जाता है कुल बुला के यहाँ तो ज़िम्मेदार लोग सब बस रहे हैं इनके लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी की बात की जाए तो मैं तो सोचता हूँ कि बिल्कुल हम मुतासर होकर रह चुके हैं इसलिए कि हम जब भी कोई टाइम फिक्स नहीं है किसी वक्त भी हमारे पर शेयरिंग हो सकती है करोना तो पूरे ममालिक के लिए है पूरे वर्ल्ड के लिए है मगर जो ये ये शेयरिंग है ये खाली हमारे लिए है कभी भी यहाँ बॉर्डर के अलाका है ज़मीदार लोग हैं आगे पीछे जाते हैं काम काज करते हैं बच्चे बाहर जाते हैं तो शेयरिंग शुरू हो जाती है तो मैं मीडिया के जरूर से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि दोनों ममालिक से कह करके के ये हमारी जो ज़िंदगी है इसको बचाएँ और खरदार जिंदगी हमारी जिंदगी को बचाएं हमारे बच्चों की जिंदगी को बचाएं, ताकि आने वाले वक्त हम आसानी से सांस ले चुके नहीं तो हमारे जीना बहुत ही दुशवार हो चुका है